अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। कहते हैं अगर जज्बा हो तो हर कठिन काम आसान हो जाता है। दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने जज्बे और हिम्मत से अपनी कमजोरी को भी अपनी ताकत में बदल दिया है। इसके बाद लोग उन्हें सलाम करते हैं। ऐसा ही एक बच्चा है मणिपुर के इम्फाल का। 4 साल का ये बच्चा दिव्यांग है, उसका एक पैर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो जबरदस्त फुटबॉल खेलता है, साथ ही साइकिल भी चलाता है, जिससे वो अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया है। उसके वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहे हैं। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक इस 4 साल के बच्चे का नाम कुणाल श्रेष्ठ है। बचपन से ही वो एक पैर से दिव्यांग है, इसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी है। कुणाल की माँ का कहना है कि मेरे बेटे का जन्म बिना पैर के हुआ था, मैंने उसे कभी भी अपने साथियों से अलग महसूस नहीं होने दिया, उसने कभी कम सम्मान का प्रदर्शन नहीं किया, उसने अपने दम पर साइकिल चलाना भी सीखा। कुणाल श्रेष्ठ ने कहा, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है, शुरुआत में मुझे संतुलन बनाने में समस्या का सामना करना पड़ा, मैं डर गया था, लेकिन अब मैंने आत्मविश्वास हासिल कर लिया है, मेरे दोस्त मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द ही एक गोल करूंगा। कितना साल हो गया एक्सेप्ट फुटबॉल खेलते हुए? 2। तो पहले पहले क्या प्रॉब्लम था आपको उसको खेलने? बैलेंस। तो क्या करते, कभी गिरता था उसमें? तो मतलब हाँ। जैसे कि बॉल किक मारने का टाइम है ना, तो आपको क्या प्रॉब्लम होता है बताओ? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, तो इसे चढ़ के कैसा करते? एक पैर से थोड़ा होता है। कितना दौड़ता है, कितना फास्ट दौड़ते थे या कैसा करते थे? स्लो स्लो। तो कभी इन लोगों के साथ ये आम दोस्तों के साथ खेलने के टाइम फुटबॉल आप पकड़ सकते थे उसमें? कभी गोल किया? नहीं। गोल करने का दिल तो लगता है ना?